नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। आज हम आपको फर्जी आईपीएस की कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि मत कहानी बिल्कुल सत्य है। जहाँ शादी करने के लिए एक लड़का फर्जी आईपीएस बन गया और जब इसका भेद खुला तो क्या हुआ, जाने मेरे साथ। मामला दरअसल उदयपुर वाची के हाथीपोल थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक 24 साल के युवक सुनील साकला ने गांव वालों के सामने खुद को आईपीएस बना दिया। इतना ही नहीं, उसने तो गांव से लेकर समाज और समाज से लेकर आला उच्च अधिकारियों तक को मूर्ख बना डाला, जगह जगह अपना मान सम्मान करवाया और देखिए इसका शक भी किसी को नहीं हुआ। तब तक इनमें से किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि सुनील एक फर्जी आईपीएस है। उसने अपना नाटक जारी रखा, लेकिन होटल स्टाफ को उसकी हरकतों पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और जब उसने उल्टे हाथ से सैल्यूट किया तो पुलिस ने सारा भेद ही खोल दिया, ये फर्जी आईपीएस है। इसके बाद आरोपी ने पुलिस हिरासत में अपना सारा राज ही उगल दिया। पुलिस ने सुनील को पकड़ा और बताया कि ये फर्जी आईपीएस है तो उसके साले अमित की आंखें पति के पति रह गई और साथ वाले लोगों को भी इस बात का भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और उसके फेसबुक पेज को खंगाला तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने कोटपुतली के रहने वाले फर्जी आईपीएस सुनील साकला के साथ इंद्राज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण कनोलिया को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी ने गांव में बताया हुआ है कि उसने 263वीं रैंक हासिल की है और सीबीआई ऑफिसर बन गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सुनील ने बताया कि मैंने गांव के लोगों को बताया था कि सीबीआई ऑफिसर बन गया हूं। उसने खुद को महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस बताया था और मुंबई में पोस्टिंग बताता था। पूछताछ में सामने आया कि सुनील ने 2020 की भर्ती में यूपीएससी की तैयारी भी की थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इधर गांव और समाज में रोब दिखाने के लिए सुनील ने झूठी कहानी रची थी और इसका शिकार उसके परिवार वाले भी बने थे। इससे पहले भी उसने बताया था कि उसकी राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स में क्लर्क की नौकरी लगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गाँव और परिवार के लोग यही समझ रहे थे कि दोनों सरकारी नौकरी छोड़कर उसने यूपीएससी क्रैक किया है। गांव आया तो सम्मानित किया, साल भर पहले इसकी सगाई हुई है। सुनील ने अपने परिवार और गांव में खुद के यूपीएससी में सेलेक्ट होने की झूठी कहानी फैला दी। जब वह गांव आया तो उसका माला पहनाकर और गांव में परिवार के लोगों ने स्वागत किया। इतना ही नहीं, उसने और उसके दोस्तों ने सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर करी। झूठ की हद तो देखो, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुनील साकला इतना शातिर था कि उसने खुद को आईपीएस में चयनित होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से शुभकामनाएं देने वाला फर्जी लेटर भी बनवा रखा था, ताकि परिवार और रिश्तेदारों को इस पर विश्वास हो जाए। इन फर्जी लेटर को उसने अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर रखा था। आरोपी सुनील यूपीएससी में खुद को सेलेक्ट बताकर अपनी खूब वाही वाही लूट रहा था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो वहाँ उसने एक लोकल न्यूज चैनल का इंटरव्यू पोस्ट कर रखा था। इस इंटरव्यू में भी उसने अपनी तैयारी को लेकर झूठी जानकारी दी। इंटरव्यू में उसने बताया कि मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसुर से 12वीं तक की पढ़ाई की है। एक कोचिंग सेंटर में लगातार 2 साल तक तैयारी करता रहा। यूपीएससी 2022 की वैकेंसी में मुझे 263वीं रैंक प्राप्त हुई। हालांकि अब इस कहानी का दी एंड हो चुका है और पुलिस ने भी उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।